हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो फ्रेंड्स आज मैं शेयर करूँगी इस डबल लेयर अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो ये कुर्ती आपको पैपलम लुक भी देगी क्योंकि जो इसकी फ़र्स्ट लेयर है वो थोड़ी शॉर्ट है एंड सेकंड लेयर इसकी लॉन्ग है सो so ये कुर्ती आपको लॉन्ग कुर्ती का भी लुक देगी एंड ये कुर्ती मैंने अम्ब्रेला प्लाज़ो के साथ बनाया है इस अम्ब्रेला प्लाजो की बहुत ही स्पेशल वीडियो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा जहाँ से आप इस प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो देख सकते हैं सो गाइज़ ये कुर्ती बनाने के लिए हमने फैब्रिक लिया है ये मेरा स्ट्रिप्ड जॉर्जेट फैब्रिक है तीन मीटर सो गाइज़ वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से नहीं समझ आए या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं जहां पर मैं आपको अच्छे से रिप्लाई करूंगी तो देखिए सबसे पहले हमने जो फैब्रिक लिया है ये मेरा जॉर्जेट फैब्रिक है ये स्ट्रिप्ट यानी लाइनिंग वाला फैब्रिक है सो तो ये मैंने तीन मीटर लिया है और ये जो हमारा फैब्रिक है काफ़ी सी थ्रू है सो तो इसके लिए हमने लाइनिंग ली है सो जो लाइनिंग ली है वो मैंने दो मीटर ली है और ये लाइनिंग मेरी सिल्क रेव फैब्रिक है आप कोई सभी फैब्रिक ले सकते हैं लाइनिंग के लिए आप देखिए जॉर्जेट वाले फैब्रिक से हम सबसे पहले घेरे कट करेंगे तो दोनों घेरे हम एक साथ कट करेंगे यहाँ मैं आपको अपने फैब्रिक की विट बता देती हूँ सो तो इस कपड़े की जो अर्ज़ है वो पचपन इंच है और ये तीन मीटर है अब इसको हमने एक कॉर्नर से पकड़ के दूसरे कॉर्नर पर तिकोना शेप में फोर फोल्ड कर लेना है सो तो ये मेरी किनारी वाली साइड है तो इसको हमने इस तरह से ट्राइंगल शेप में अच्छे से सेट कर लेना है सो so यहाँ पर मैं पिन लगाकर कपड़े को तिकोनी शेप में इस तरह से फोर फोल्ड कर लूँगी अब आप इंच टेप रखा हुआ देख सकते हैं ये साइड हमारी विट वाली यानी पने वाली साइड है जो पचपन इंच है एंड नीचे की तरफ लगभग पाँच इंच फैब्रिक हमारा विट में कम पड़ रहा है लेंथ में सो so यहाँ पर मैं पेपर रख कर इसकी लेंथ को कम्प्लीट करूँगी इस तरह से सो so देखिए मैंने एक पेपर लिया है और इस पेपर की जो विथ है वो मैंने छः इंच ली है अब इसको हमने यहाँ पर किनारे के ऊपर हाफ इंच चढ़ा कर रखना है इस तरह से सो so यहाँ से हमने इसको रख कर पिन लगा देनी है ताकि हमारा पेपर इसके साथ सेट हो जाए अब जो इसकी लेंथ विट्थ है वो बराबर हो गई है और इंची टेप मैंने इस तरह से सेट कर लिया है इंची टेप में ऊपर की तरफ मैंने पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लिया है अब इंची टेप की जितनी हमारी लेंथ है उतना ही हमारी विथ्थ हो गई है सो so, इस तरह से मैं इजीली इंची टेप को मूव कर सकती हूँ घेरा बनाने के लिए अब जित यहाँ ऊपर की साइड में मैंने जो इंची टेप सेट किया है नीचे से मैंने इंची टेप को इस तरह से पीछे की तरफ घुमाते हुए मार्क कर लेना है सो so, ये जो लेंथ है वो सिक्सटी इंच हमारी इस तरह से घेरे की आ जाएगी तो सिक्सटी इंच का जो घेरा है हमारा इसमें से मैं दो घेरे कट करूँगी सबसे पहले मैंने टोटल लेंथ निकाल ली है सिक्सटी इंच की अब ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं इंची टेप मेरा वहाँ पर सिक्योर है जहाँ से मैं इंची टेप को घुमा रही हूँ इस तरह से तो यहाँ मैंने दो पिन लगा कर इसको सेट कर लिया था यहाँ से ये दोनों पिन को मैंने इंची टेप के इस होल में इस तरह से रखा और नीचे अपने कारपेट पे इस तरह से पिंच करके सेट कर लिया था अब देखिए जो हमने घेरे की लेंथ पर मार्क किया है इसको हम कट कर लेंगे इसके बाद इस घेरे को हम दो घेरों में डिवाइड करेंगे सो so, यहाँ से ये घेरा कट करने के बाद हमारा इतना फैब्रिक इसमें से बचा है जिसको हम अपने स्लीव में यूज़ कर लेंगे सो so, इतना फैब्रिक हमारा स्लीव के लिए हो गया अभी टॉप पार्ट के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने प्लाज़ो बनाया था उसके नीचे से सर्कल कट करने के बाद भी इतना फैब्रिक बचा था तो so, ये कमर की साइड से हमारा फैब्रिक बचा था प्लाज़ो में से और ये वाला फैब्रिक हमारा घेरे के नीचे से कट करने के बाद बचा था ये वाला सो इसमें से मैं अपना टॉप पार्ट बना लूँगी तो ये हमारा फैब्रिक यूज़ हो जाएगा इसके बाद जो हमने ये घेरा कट किया है यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाली साइड हमारी सिक्सटी इंच की लेंथ है और ये हमारी ओपन वाली साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है अभी मैं आपको फिर से बता देती हूँ जो इस घेरे की लेंथ है दोनों तरफ से वो सिक्सटी इंच है क्योंकि हमने नीचे न्यूज़ पेपर लगा इसकी लेंथ को बढ़ा लिया था अब इस वाले कॉर्नर से हम अपने फर्स्ट घेरे की कमर की मार्किंग करेंगे यहाँ से सो जितनी भी हमारी कमर है उसको हम फोर से डिवाइड करेंगे एंड उसमें हम एक इंच प्लस कर लेंगे सिमिंग अलाउंस के लिए सो एक इंच हमारा काफ़ी रहेगा सो कमर का फोर्थ पार्ट करना है एक इंच प्लस करना है और इस तरह से इंची टेप को थोड़ी सी गोलाई में रखते हुए मार्क कर लेंगे ये वाला मार्क हम ओपन वाली साइड में करेंगे तो देखिए हमारी जो कमर की फिटिंग है वो लगभग आठ साढ़े आठ इंच है और एक इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है स्विमिंग लाउंस के लिए अब जहां हमने मार्क किया था वो लेंथ इस तरह से लेंगे और जितनी भी लेंथ आती है इंच टेप को नीचे से पीछे की तरफ घुमाते हुए मार्क करते जाएंगे सो इस तरह से ये हमारी कमर की मार्किंग हो जाएगी सो ये मार्किंग थोड़ी सी कार शेप में करनी होती है हमें यानी गोलाई में करनी होती है अब जो मार्किंग हमने डॉट करके की है उसको हम एक साथ करके डार्क कर लेंगे इस तरह से इसके बाद देखिए जो हमारे फर्स्ट घेरे की लेंथ होगी वो लेंगे तो मैं यहाँ पर 19 इंच यानी 19 इंच का घेरा लूँगी 18 इंच पर ये रेडी हो जाएगा तो 19 इंच पर हम मार्क कर देंगे सो तो ये हमारे फ़र्स्ट घेरे की लेंथ होगी इस तरह से अब इंच टेप को मैंने ऊपर कॉर्नर पर रख लिया है इस तरह से सेट करके और फिर से हम इंच टेप को नीचे की तरफ घुमाएंगे और जो भी लेंथ आ रही है ओपन साइड से उसको फॉलो करते हुए कर शेप में हम मार्क कर लेंगे एंड इस मार्क को हम अच्छे से डार्क कर लेंगे सो so, ये मार्किंग जो है हमारे फर्स्ट घेरे की लेंथ की, की मार्किंग है इस तरह से सो so, देखिए दोनों घेरों की मार्किंग हमारी हो चुकी है अब ये नीचे वाला हमारा सेकेंड वाला घेरा होगा और जो इसकी लेंथ है वो लगभग ट्वेंटी सिक्स यानी छब्बीस इंच है सो फर्स्ट घेरे की उन्नीस इंच थी और सेकेंड घेरे की हमारी छब्बीस इंच है तो अब हमने जो मार्किंग की है उसकी कटिंग कर लेंगे ये हमारे फर्स्ट घेरे की कमर की साइड की कटिंग है और इसके बाद अब हम जो हमारा सेकंड घेरा है उसकी कमर की साइड है सो तो इस तरह से ये हमारे दो घेरे कट हो चुके हैं अब आप देखिए जो हमारा फर्स्ट uh, घेरा है वो फ्लेयर में थोड़ा कम है बट जो हमारा सेकंड घेरा है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर है और कमर की साइड से भी उसमें काफ़ी ज़्यादा वेट है सो so, ये हमारा फर्स्ट घेरा होगा ये वाला और ये हमारा सेकंड घेरा होगा अब सेकंड वाला घेरा देखिए इसके बॉटम में जो जॉइंट आया है यानी जो हमने पेपर रखा था सो so, ये लेंथ में और थोड़ा विट में हमारी फैब्रिक कम हुआ था तो यहाँ से जो हमने पेपर कट किया था इसमें से हम दो पीस कट करेंगे फैब्रिक के और इसमें सेट कर देंगे इसके बाद जो कमर की साइड से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फैब्रिक है सो so इसमें हम पूरे में छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर फर्स्ट घेरे की कमर के बराबर इसको कर देंगे इस तरह से और ये पेपर वाला जॉइंट भी हम इसमें डालकर सेट कर देंगे अब हमने टॉप पार्ट की कटिंग करनी है सो तो ये वाला फैब्रिक मेरा प्लाजो से बचा हुआ फैब्रिक है इसको मैंने डबल फोल्ड किया इसके बाद मैं इसको फोर फोल्ड कर लूँगी सो तो इसको मैं चेस्ट के अकॉर्डिंग फोर फोल्ड करना है जितना भी हमारा चेस्ट है उसको फोट पार्ट करेंगे और उसमें दो इंच प्लस कर लेंगे इसके बाद जो इसकी लेंथ लेंगे वो एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे सो तो यहाँ पर मैं एक इंच एक्स्ट्रा लूँगी सेवनटीन इंच की लेंथ लेकर इसको मार्क करके कट कर लूँगी टॉप पार्ट की लेंथ और विट आप अपने साइज के अकॉर्डिंग लें सो यहाँ पर मैं फोर्टी चेस्ट के लिए बना रही हूँ इसलिए इसकी लेंथ सेवनटीन इंच ली है और जो इसकी विथ ली है वो मैंने ट्वेल्व इंच ली है सो so, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको इसका बॉडी मेजरमेंट दिखा दिया था फिर फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपना टॉप पार्ट कट करना है सो so, गाइज़ ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने टॉप पार्ट की मार्किंग कर लेंगे कुछ इस तरह से मैंने टॉप पार्ट की मार्किंग कर ली है शोल्डर uh, मैंने साढ़े सात इंच लिया है एंड आर्म होल सात इंच लिया है बस्ट टेन इंच पर बनाया है और जो वेस्ट राउंड है वो साढ़े आठ इंच पर लिया है और आगे की तरफ सीमिंग लाउंस लिया है डेढ़ से दो इंच इसके बाद जो नेक की लेंथ है बैक वाले नेक की वो साढ़े चार इंच है और फ्रंट वाले नेक की साढ़े छः इंच है और तीन इंच की दोनों के नेक की विथ है अब देखिए सिंपली हमने जो मार्किंग की है उस पर कटिंग कर लेंगे सो so, यहाँ पर मैंने एक इंच के क्रॉस पर वेस्ट में गोलाई दी है इसके बाद सीमिंग लाउंस पर कट करेंगे एंड सबसे पहले हम यहाँ से कंदी हाफ इंच कट करते हुए बैक होल की कटिंग करेंगे सो ये हमारा बैक होल है इसकी कटिंग कर लेंगे इसके बाद हम अपने अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग करेंगे सो ये वाला जो फैब्रिक है मेरा दो मीटर है किनारे वाली साइड से हमने इसको डबल फोल्ड किया है और ये हमारा फोर्टी इंच है अब हमने इसको डबल फोल्ड करने के बाद किसी भी एक कॉर्नर से इस तरह से तिकोना करके यानी ट्रायंगल शेप में इसको फोर फोल्ड कर लेना है और अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे सो ये हमारी ओपन वाली साइड है अब यहाँ से कमर की मार्किंग करेंगे सो घेरे में हमने फर्स्ट घेरे में जितनी भी कमर की मार्किंग की थी उतना ही लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से जो भी लेंथ आती है यहाँ से हम कर शेप में मार्किंग करते जाएंगे सो ये जो मार्किंग है उतनी ही होगी जितना हमने घेरे के फर्स्ट लेयर में कटिंग की थी तो लगभग साढ़े नौ इंच पर मैंने इस तरह से गोलाई में मार्किंग कर ली है इसके बाद हमने इसकी जो लेंथ लेनी है वो सेकंड घेरे की लेंथ से एक से दो इंच कम लेनी है तो मैं यहाँ पर चौबीस इंच की लेंथ लूँगी क्योंकि जो हमारा सेकंड घेरा था वो ट्वेंटी सिक्स इंच का था इसके बाद इंच टेप को ऊपर कॉर्नर पर रखना है और यहाँ से जो लेंथ आती है उस लेंथ को आगे की तरफ फॉलो करेंगे और इंच टेप को आगे की तरफ ले जाते हुए मार्क करते जाएंगे सो इस तरह से ये हमारे अस्तर वाले घेरे की मार्किंग हो जाएगी अब इसको अच्छे से डार्क कर लेंगे अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है तो लीजिए ये हमारा अस्तर वाला घेरा कट हो जाएगा इस तरह से और वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं अब देखिए जो हमारा घेरा कट करने के बाद फैब्रिक बचा है इसमें से हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे यानी टॉप पार्ट का जो अस्तर है उसकी कटिंग करेंगे सो किनारे वाली साइड से मैंने डबल फोल्ड पकड़ रखा है इसके बाद हम इसको फोर फोल्ड कर लेंगे और जो हमारे टॉप पार्ट की लेंथ और विथ है उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करेंगे एंड इसके ऊपर जो हमारा जॉर्जट वाला टॉप पार्ट हमने कट किया है इसको बराबर रख कर कट कर, कर लेंगे तो इस तरह से ये हमारा अस्तर वाला टॉप पार्ट कट हो जाएगा इसके बाद हम अपने चारों लेयर में एक साथ बैकनेक की कटिंग कर लेंगे और बैकनेक कट करने के बाद हम एक एक लेयर इसमें से निकाल लेंगे जो हमारी फ्रंट लेयर होगी और उसमें से हम अपने फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे सो तो यहाँ पर सिर्फ एक लेयर मैंने अस्तर वाली ली है और एक लेयर मैंने जॉडर्ट वाली ली है सो so, इसकी मैंने कटिंग कर ली है नेक की अब हमने यहाँ से आर्म होल की भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है इसके बाद देखिए ये हमारी बिल्कुल सिंपल स्लीव है जिनकी कटिंग मैं ऑलरेडी अपने कई वीडियो में बता चुकी हूँ सो so, ये हमारी हाफ सर्कल अब्रेला स्लीव है नॉर्मली जो हमने कट कर ली है अब हमने अपने दोनों नेक को रेडी करना है तो देखिए दोनों नेक को यानी फ्रंट वाले पार्ट के नेक को मैंने इस तरह से बराबर मिलाकर एक सिलाई लगा लेनी है और इसमें छोटे छोटे काट लगा कर इसको रेडी कर लेंगे एंड बिल्कुल इसी तरह से हम अपना बैक वाला नेक भी रेडी कर लेंगे सो so, ये हमारा अस्तर में नेक रेडी हो जाएगा आप बुक रब में भी बना सकते हैं तो लीजिए नेक पर स्टिच लगा कर मैंने छोटे छोटे काट लगा लिए हैं और इसी तरह से मैंने बैक वाला नेक भी रेडी कर लिया है अब इसको हमने सीधी तरफ इस तरह से खोलना है यहाँ से और ये हमारी कंधे वाली साइड है इसको इस तरह से रखना है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है इसकी भी कंधे वाली साइड को हमने इस तरह से ओपन करना है दोनों की राइट साइड देखिए अंदर की तरफ रहेगी और दोनों को इस तरह से मिलाकर कर यहाँ से हाफ इंच का दबाव लेकर हम कंधे जॉइंट कर देंगे सो तो ये कंधे भी हमारी अंडरग्राउंड जॉइंट होगी यानी अस्तर में जॉइंट होगी अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी कंधे को भी हम जॉइंट कर देंगे सो तो जो जॉर्जेट वाली कंधियाँ हैं वो दोनों एक तरफ आएंगी और जो अस्तर वाली कंधियाँ हैं वो एक तरफ आएंगी हाफ इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों को हम सिल देंगे अब देखिए यहाँ से हमने ये सिल दिया है और नेक पर हमने एक सिलाई भी लगा ली है इसके बाद दोनों फैब्रिक को यहाँ से एक कच्चा करके सिलाई लगा ली है दोनों ही एक दूसरे के साथ सेट हो गए हैं इसके बाद हम इसको यहाँ से बराबर मिला कर रखेंगे और जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है उस पर हम फिटिंग लगा लेंगे इसके बाद देखिए ये हमने घेरा रेडी कर लिया है जो घेरे में हमारे जॉइंट आए थे वो भी हमने लगा लिए हैं इस तरह से तो दोनों घेरे में हमारे जॉइंट आए थे इसके बाद आप ये देख सकते हैं घेरे में मैंने कमर की साइड जो हमारा काफ़ी ज़्यादा विट थी फैब्रिक में उस पर मैंने छोटी छोटी प्लेट्स बना ली हैं और इस घेरे को मैंने अपने टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग कर लिया है यानी जितनी चौड़ाई हमारे टॉप पार्ट की कमर की है उतना ही मैंने ये घेरा सेट कर लिया है सो so गाइज़ ये हमारा सेकेंड लेयर घेरा है अब यहाँ से साइड से आप देख सकते हैं एक एक इंच फैब्रिक को मैंने बिल्कुल सीधा रखा है जितना हमारा फिटिंग में आएगा तो दोनों साइड से दोनों पल्लों में मैंने एक एक इंच फ्री रखा है कोई प्लेट्स नहीं डाली हैं क्योंकि यहाँ पर इतना सिलाई में आ जाएगा तो इतना ये हमारा रेडी हो चुका है अब कमर की गोलाई के बराबर हमने ये प्लेट्स डाली हैं और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से हम इसमें फिटिंग लगा देंगे तो दोनों साइड से फैब्रिक को यानी घेरे की दोनों ये लेयर इसको मिलाकर रखेंगे और यहाँ से एक एक सिलाई लगा देंगे सो तो इस तरह से ये हमारे घेरे की फिटिंग हो जाएगी और ये घेरे की फिटिंग हमें टॉप पार्ट के कमर के बराबर रखनी है सो इस तरह से देखिए हमने ये फिटिंग लगा दी है इसके बाद जो हमारी फर्स्ट लेयर थी उसकी कमर का साइज भी हमने उतना ही रखा है जितना हमने सेकेंड लेयर का यानी टॉप पार्ट की कमर के बराबर रखा है सो तो इसकी भी फिटिंग मैंने लगा ली है इसके बाद मैं इसकी लाइन देखूंगी सो तो इसकी लाइंस को आप किसी भी तरह से सेट कर सकते हैं मैं इसको इसी तरह से रखूंगी यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे अब इसके ऊपर हमने इसको इस तरह से रख लेना है दोनों की साइड की जो सिलाई है वो आमने सामने रखेंगे और ये इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे मुझे प्लेट्स हाइड करनी है इसके लिए मैंने ये फर्स्ट लेयर वाली जो कमर की साइड है वो बराबर रखी है टॉप पार्ट के अब हमने अस्तर वाला जो घेरा कट किया था उसमें भी हमने उतनी ही कमर की साइड में फिटिंग लगा ली है अब इसको राइट साइड में टर्न करेंगे और इस घेरे को हम दोनों घेरे के अंदर इस तरह से इंजर्ट कर देंगे अब यहाँ पर तीन लेयर हो गई है दो लेयर हमारी जॉर्जेट फैब्रिक की और एक लेयर हमारी अस्तर वाले की तो तीनों को बराबर मिला कर रखेंगे साइड से फिटिंग जो हमारी है उसको आमने सामने रखेंगे और यहाँ से तीनों को बराबर पकड़ते हुए एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ सेट हो जाए इस तरह से तो लीजिए तीनों लेयर में हमने एक सिलाई लगा दी है अब ये तीनों एक साथ सेट हो चुके हैं इसके बाद हम इसको रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे एंड इसका हम टॉप पार्ट सेट करेंगे यानी जो हमारा टॉप पार्ट है उसको कमर की साइड से हम इसको सिल देंगे सो तो ये हमारा टॉप पार्ट है और टॉप पार्ट की कमर की साइड को घेरे की कमर की साइड से हमने जॉइंट करना है सो उसके लिए हमने टॉप पार्ट को घेरे के अंदर इस तरह से इंसर्ट करेंगे और घेरे और टॉप पार्ट की जो कमर की साइड की फिटिंग है उसको आमने सामने रखेंगे इस तरह से अब यहाँ से बराबर मिलाते हुए हम एक स्टिच लगा देंगे हाफ इंच की दूरी पर यानी हाफ इंच का दबाव लेकर इसको सिल देंगे सो so गाइज इस तरह से देखिए टॉप पार्ट हमने घेरे से ज्वाइंट कर दिया है इसके बाद अब हमने अपनी स्लीव सेट करनी है सो so यहाँ पर मेरी हाफ सर्कल अम्ब्रेला ये स्लीव है जिनको मैंने रेडी कर लिया है बहुत ही सिंपल है ये बनाना और इनका वीडियो भी मेरे चैनल पर है या फिर आप अगर कोई और स्लीव डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं काफ़ी स्लीव डिज़ाइन मैंने अपने चैनल पर पोस्ट कर चुके हैं सो so दोनों स्लीव को हम अपनी कुर्ती के साथ सेट कर देंगे सो so फ्रेंड्स आप ये स्लीव फिटिंग लगाने से पहले भी लगा सकते हैं और आप इस तरह से फिटिंग लगाने के बाद भी ये दोनों स्लीव लगा सकते हैं इसके बाद मैं स्लीव के घेरे और कुर्ती के दोनों घेरों में प्लास्टिक के थ्रेड से पिको कराऊंगी जिस तरह से मैंने अपने प्लाजो के घेरे में प्लास्टिक थ्रेड से पिको कराई है सो so वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन ज़रूर दबाए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स फॉर